अब जब चुनाव नजदीक आए हैं तो उठा पटक होगी, दल बदल होंगे और गलबहियां जरूर होगी। बिहार की बात है इसलिए बिहारी भाषा में आपको समझा दे रहा हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे। कुछ दिन पहले किस तरह से झटका लगा था एनसीपी को, तारिक अनवर किस तरह से शरद पवार से बेरुख होकर के छोड़ दिए थे एनसीपी, और आज जैसा कि पहले से कवायद लगाए जा रहे थे, सभी ने ऐसी बात कही थी कि तारिक अनवर जाके राहुल गांधी से हाथ मिलाएंगे। और पहले तस्वीरें देखिए जो आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, ठीक वैसा ही हुआ है। तारिक अनवर ने आज राहुल गांधी से हाथ मिला लिया है, कांग्रेस का दमन थाम लिया है। अब इससे कुछ हो ना हो, लेकिन तारिक अनवर के महागठबंधन में आ जाने से महागठबंधन को शक्ति मिली है, वो शक्ति जिसकी तलाश में तेजस्वी यादव कल रात को उपेंद्र कुशवाहा से मिले थे। उसकी कुछ झलक तो दिख रही है, लेकिन अब जब दिल्ली बुला लिया गया है कुशवाहा को अमित शाह द्वारा, लेकिन एक तरफ तारिक अनवर वो फिर से कांग्रेस में आ गए हैं और बड़ा सियासी फेरबदल हो रहा है। क्या बताएं, आप देखते रहिए भारत लाइव टीवी, हम हर खबर से आपको जोड़ते रहेंगे। अभी बहुत सारे, कम से कम जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, दर्जन भर विधायक और एमपी भी अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में आएंगे। इसका मतलब साफ साफ है कि दर्जनों भर से ज्यादा इस वक्त हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। और आप वीडियो देखिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जो रहे भारत लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल से, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।